तो ये गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं होली के सारे सामान लेने के लिए, होली के यानी कि बोल तो शॉपिंग करने के लिए। और मेरा एक फ्रेंड और मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तो दुकान में जाएंगे जहाँ पे पिचकारी वगैरह मिलती है, थोड़ी सी मस्ती करेंगे वहाँ पे, समझ रहे हो। और जो सामान हमें लेना होगा वो ले लेंगे। बेसिकली मैं गुलाल लेने के लिए जा रहा हूँ, अगर मुझे मिल गया वहाँ पे तो ठीक है। और मैं एक बोरी यानी कि गुलाल लेने जा रहा हूँ, पूरा एक बोरी ले लेंगे गुलाल का। मगर क्यों, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर मिलती है तो हम लोग वो बोरी गुलाल की पूरी ले लेंगे, और नहीं मिलती तो देखते हैं क्या करेंगे। और नहीं मिला तो एक चुटकी भर गुलाल हमारे लिए बहुत होगा। खेलो तो अच्छे से खेलो, नहीं तो थोड़ा थोड़ा खेलो। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे दुकान में, और यहाँ पे दो चार दुकानें लगी हैं। सब पूछते हैं किसके पास में है बोरी पूरे कलर की। मेरे को नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत कलर की बोरियाँ दिख रही है, पूछते हैं। उसके बाद में हमें होली के लिए कपड़े भी लेने हैं। 10 का ले लो ना, पेटीएम कर देना। पीला वाला देगा, पीला वाला पूछते हैं, पूरा घंटे का देगा पीला वाला। पुराने मजा आता है, ले लो। पीला बता दीजिए ना। कितने का बोल रहे हैं? 10 का 100 ग्राम के हिसाब से जोड़े थे, तब थोड़ी मजा आएगा। बस हवा निकल गई। बैलून दे दो। लो है क्या ये? कितने का है ये? कितने का है ये? कितने की है? 4,500। अरे पूरा बहुत ज्यादा बड़ा है। हाँ यही ले लो, ये ले लो, ये वाला, ये अच्छा। कुत्ते का बाल है। अरे ये बहुत ज्यादा महंगा है छोड़ भाई, 300 रुपए का अगर बाल खरीदने पड़े ना तो लड़कियां सबसे अमीर होती। दिखा पैक गुलाल है। हाँ गुलाल ले ले। नहीं रे इतने में कुछ नहीं होगा भाई, इतने में कुछ नहीं होगा। बोरी चाहिए, पूरा बोरी चाहिए। उठाना है। चलो और ये पिचकारी देख सकते हैं, बहुत बड़ा है, बहुत मतलब बहुत बड़ा पिचकारी है। ट्राई कर लो ना, इसमें पानी तो होगा ना, पानी तो है इसमें। गाइस ये देखिए, बहुत बहुत ही बड़ा पिचकारी है। अरे रख नीचे इसको, छोड़ 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 छोड़। ये सर लगता है फूटा हुआ है, लगता है मेरे को टूट गया शायद, इधर टूटा कहीं होगा शायद। छोड़ दे इसको, छोड़ दे, चल छोड़ छोड़, यहाँ से निकाल। हटा हटा। अभी आए हम लोग होली की शॉपिंग करने के लिए अंकल जी की दुकान में। टी शर्ट लेंगे अच्छी सी होली के लिए, एक शर्ट लेंगे और एक टी शर्ट लेंगे कल, क्योंकि खराब हो जाएगी वो इसके वजह से। तो फ्रेंड्स हम लोग अंकल जी की दुकान से दो शर्ट लाए हैं, एक पिंक कलर की शर्ट है और एक शर्ट अभी है। देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ हम लोग कौन कौन से कपड़े लाए हैं। एक ये शर्ट है जिसको हमने धुलने के लिए रख दिया है, क्योंकि धुलने के बाद ही हमें कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि हमारी दुकान जो होती है वहाँ पे उधर पे बहुत सारे लोग एक्सचेंज करके भी आते हैं कपड़े। तो सबसे पहले कपड़े को धुल लेना चाहिए, उसके बाद में उसे पहनना चाहिए। तो हम लोगों ने अभी इसको धुल दिया है। और एक शर्ट ये रही जिसको हमने यहाँ पे कुर्सी में टांग दिया है, बाकी जगह नहीं थी यहाँ पे, इसकी वजह से दो शर्ट हम लोग लेके आए हैं। और देखते हैं कल हम लोग कौन से कपड़े पहनते हैं, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से देखेंगे। अगर लोग ज़्यादा कलर डालेंगे तो हम लोग वो वाली नहीं पहनने वाले, और अगर खाली गुलाल से खेलेंगे तो हम लोग पहन लेंगे। और देखते हैं कल, क्योंकि होली का भी ब्लॉग आ जाएगा तो उसको भी आप लोग देख लेना। सो गाइस बहुत ज़्यादा ही महंगा था यहाँ पे होली का सामान, मतलब बाल ये जो 50 रुपये के मिलते थे वहाँ 350-400 रुपये के बाल हैं, मतलब कलरफुल वाले जो आते हैं। तो हमने वो सारी चीज़ें नहीं ली, क्योंकि फालतू में पैसा वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी हम लोग कॉलेज में हैं तो थोड़ा बहुत पैसा हमको बचाना चाहिए, क्योंकि ये टाइम है जब आप पैसा बचा सकोगे और कहीं पर लगा सकोगे, है ना। तो थोड़ा बहुत पैसा बचा लेना चाहिए। फ्रेंड्स ये देखो हम लोग कितना गुलाल लाए, 10 रुपये का गुलाल लाए ओनली फॉर। बस हवा निकल गई। बेटे बेटे मौज कर दी। जब मैं घर में रहता था ना, सबसे पहले मम्मी को कलर लगा के और मैं पैर छूता था, उसके बाद में ही बाकी सारे काम होते थे मेरी होली के दिन। बट अभी दैट्स नॉट।
सो थोड़ी सी यादें तो आती है यार। और कॉलेज में भी एक ही दिन की छुट्टी दे रखी थी ओनली फॉर 18 मार्च, सो घर भी नहीं जा सकता था, इसलिए मैं घर भी नहीं गया, नहीं तो मैं ज़्यादा जरूर। सो फ्रेंड्स, पहले मैं फैमिली के साथ में होली खेलता था, बट अभी हम लोग हॉस्टल में आ चुके हैं, सो अलग ही कंडीशन है यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे खेलेंगे होली अपने फ्रेंड्स के साथ में, एक जो कि एक फैमिली की तरह है, तो उन लोगों के साथ में हम लोग होली खेलेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।